हलीमा। हलीमा है, दानियाल, एंड हु एल्स, ईमान। मैमा, ईमान। बेटे वाई यू नहीं, ईमान तो प्रेजेंट थी उस दिन भी। अलीना आप नहीं बेटे थी, फैसल आ गए हैं। ठीक है, और कौन आया, बोलते फातिमा जाएं। ही भी है। फातिमा, आज फातिमा इतने दिनों बाद, बेटा भाई भी नहीं आए। बेटा क्लास अटेंड करनी है आप लोगों ने, सबने आपका काम मिसिंग होगा, सो यू शुड बी प्रेजेंट इन योर क्लास। मैंने पिछली दफा आप लोगों को करवाई थी गजल, तो जिन बच्चों ने नहीं किया अब उनका क्या करूंगी। मैंने चार इशार करवा दिए थे और उसके बाद अगले अब मैं करवाने लगी हूँ। गजल नंबर एक हमने मीर तकी मीर की पढ़ी थी, उसमें हमने चार इशार पढ़ लिए थे, जिसमें सिर्फ शायद दो बच्चों ने ली थी, साद दानियाल ने या एक ईमान ने ली थी शायद, और एक और बच्चा था शायद फैसल था। हाँ जी फैसल था। तो बेटा आप लोगों के लिए तशरीह जरा समझना, एक दफा सुन ले तो फिर समझना आसान होता है। नोट्स तो मिल जाएंगे लेकिन इसके बावजूद जब तक आप सुनेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी, तो आप लोग ना जरा क्लासेस को मिस ना किया करें। ओके, अब नेक्स्ट टाइम मैंने, फातिमा मुझे आप सुन रहे हो बेटे? यस फातिमा टीचर। बेटे आपने और मेरी, आज मैंने उसको हुसैन को भी जरा मित्र से डांटना है, आज भी नहीं उसने क्लास ली। ओके, ओके तब ने आना है, टीचर। आपने भी आना है। अब नेक्स्ट क्लास में कोई क्लास में छुट्टी नहीं है ओके जी। मैं शेर नंबर 5 है, मैं जो बोला कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है। पिछले पिछले अशार मैंने हमने पढ़े थे, पहला शेर में कि भी शायर जो है अपने महबूब के जो है ना, वो पहले पहला शेर तो दुनिया वो है, दुनिया के लिए इंसान दुनिया में आता है और उसकी जिंदगी की औकात क्या है, पानी के बुलबुले से बढ़कर नहीं है। इंसान की हकीकत सिर्फ एक दिखावे जैसी और पानी से बढ़कर कुछ नहीं है। दूसरा शेर जो है वो महबूब की तारीफ में उसने लिखा है कि महबूब के होंठों का क्या करूं कि उसके वो नजाकत, उसकी नरमी जो है फूल के गुलाबों की एक पत्ती की तरह है। तीसरा शेर फिर उसने लिखा हुआ है कि चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। इसमें भी वो दुनिया की जिंदगी के बारे में शायर कह रहे हैं कि इस दुनिया की जिंदगी को आप आंखें बंद करके ना गुजारो और फजूल कामों में, जिंदगी के तमाशों में ना गुजारो, बल्कि ये इसकी जो रंगीनियां हैं, जाहिर है इतने खूबसूरत हैं, दुनिया इतनी खूबसूरत है, दुनिया के काम इतने वो लोगों को अच्छे लगते हैं कि इंसान इसकी हकीकत में खोकर, इसमें दुनिया के अंदर खोकर पूरी आखिरत की हकीकत भूल जाता है। और वो शायर यही कहता है, दिल की आंखें खोलो और इसको देखो और फिजूल कामों में अपनी जिंदगी जाया ना करो, और अगले आने वाले वक्त की फिक्र करो जब तुमने अल्लाह के पास जाना है, और अतावत खुदाबंदी में अपनी जिंदगी गुजारो और ऐसे काम करो जो के तुम्हारे लिए बख्शिश का वसीला बन सके। अगला शेर फिर वो महबूब के लिए लिख रहे हैं जी, बार बार मैं उसके दर पर जाता हूँ, हालत अब इस तरह की सी है। अब शायर जो है अपने, शायर मैंने आप सबको उस दिन भी बताया था, ये गजल जो होती है तखयलाती, वो एक खाका सा अपने जहन में बना लेते हैं और उसी की तारीफ में वो जो है गजल की अशार की तारीफ करते हैं। ये मैंने पहले भी शायद बताया होगा कि उस दौर में जो था ये मुआशरा इतना एडवांस नहीं था जिस तरह के आज हम खुलेआम बाजारों में भी फिरते हैं और ख्वातीन भी अपने उसी तरह जाती हैं बगैर पर्दे के, लेकिन उस दौर में, जिस दौर की ये शायरी है, उस दौर में इस तरह का कोई सीन नहीं था कि इंसान बगैर पर्दे के बाहर निकले, ख्वातीन बाहर निकले। तो इसलिए ये जो शायरी शायर हजरात ने की है, ये इन्होंने अपने तखयल में घड़कर एक अपने महबूब का खाका उसकी तारीफ में की है। अब वो कहते हैं कि मैं बार बार उसके दर पर जाता हूँ, हालत अब बेचैनी की सी है, इस्तराब की सी है, बेचैनी की सी है, कि मैं बार बार उसके चक्कर भी लगाता हूँ लेकिन मेरी उससे मुलाकात नहीं होती। अब शायर को इस चीज का बड़ा दुख है कि जी मैं बार बार इस कुछ उसके गली में जाता हूँ, उसके दरवाजे के चक्कर लगाता हूँ लेकिन, और मैं बेचैन रहता हूँ लेकिन मेरी हालत अभी इसी तरह है कि मुझे कोई काबले रहम मेरी हालत है, कोई मेरे ऊपर तरस नहीं खाता, मेरा महबूब मुझ पर नहीं तरस खाता। महबूब को हमेशा जो होते हैं शायर हजरात
जालिम दिखाते हैं जी, महबूब की नजरअंदाजी का उनका रवैया होता है, वो अपने जो तारीफ में उसकी में तारीफ में जो शायर लिख रहा होता है उसके लिए नजरअंदाज करने वाला महबूब का रवैया दिखाया जाता है ये गजलों में। ठीक है, अल्लाह को वो मतलब जालिम करते हैं, जालिम के तौर पे लेते हैं, अल्लाह को वो जालिम के तौर पे लेते हैं। नहीं बेटे, ये अल्लाह के लिए इनमें शायर का जो होता है ना, इसमें कुछ अशार ऐसे होते हैं जो कि महबूबे हकीकी के लिए होते हैं, और उसके पढ़ने से ही हमें समझ आ जाती है कि ये महबूबे हकीकी यानी कि अल्लाह से कह रहे हैं। अब पहला शेर जो है उसमें वो इंसान जो है वो अल्लाह से वो यही मुखातिब होकर कह रहे हैं कि इस दुनिया में इंसान की हकीकत एक बुलबुले की तरह से है, और उसमें ये जो दुनियावी जिंदगी हम गुजारते हैं ये एक शराब है, धोखा है। तो इसमें ये वो इस दुनियावी जिंदगी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। जो अल्लाह के लिए जब वो कहते हैं तो अल्लाह के लिए वो महबूबे हकीकी को कहा जाता है, उसमें जालिम नहीं उसको कहा जाता अल्लाह को। अल्लाह को क्यों जालिम कहेंगे, अल्लाह तो अल्लाह की सिफ़त ही रहमान है। अल्लाह ने तो अपनी जो कहार और जो जुल्म वाली जो है वो उसकी सिफ़त है वो क़यामत वाले दिन जब उसने कुफार को या जो जिनको दोजख में डालना है उनके लिए होगी। सो अल्लाह की सिर्फ के लिए नहीं ये कहते, ये दुनियावी महबूब के लिए कहते हैं। इसके बाद अब तीसरा शेर था चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब किसी है। इसमें ये दुनियावी जिंदगी के बारे में कह रहे हैं कि अगले जहान की हकीकत को जानो, यहाँ की इस दुनिया की जो हकीकत है ये ख्वाब किसी है। इसमें हम ख्वाब की तरह जैसे हम सोते हुए कोई ख्वाब देखते हैं तो हमारे जो उठकर जब हम उठते हैं अगले सुबह के वक्त तो हमें उस ख्वाब की हकीकत याद ही नहीं रहती, किसी को कोई याद रह जाता है किसी को नहीं याद रहता। तो वो शायर यही कह रहे हैं कि यहाँ की हकीकत ख्वाब किसी है। अब अगला, बार बार उसके दर पर जाता हूँ, ये महबूब के दरवाजे पर जाता हूँ तो मेरी हालत बेचैनी की सी है। अगला शेर है मैं जो बोला कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है, ये भी दुनियावी महबूब के लिए शायर कह रहे हैं कि मैं जब वहां जाकर उसके गली में जाकर उस लोगों से ऊंची आवाज में जरा बोलता हूँ कि शायद मेरी आवाज मेरे महबूब तक पहुंच जाए और वो मुझे इसका कोई जवाब दे दे, और जब मैं इतनी ऊंची जरा बोलता हूँ तो वो उस रवैये के बारे में बताते हैं कि महबूब जो है उसको मेरी आवाज को सुनकर क्या कहता है कि ये लापरवाही का मुजाहरा करते हुए कहते हैं कि ये तो आवाज उसी खाना खराब की सी, खाना खराब बदहाल शख्स की, बुरे हालों में रहने वाले शख्स की है, यानी कि मीर की आवाज है। इस बात को उसने पहचान लिया कि ये तो उसी की आवाज है, ये गली में मेरी में चक्कर लगाया जा रहा है, ये तो उसी बेवकूफ और उस जो है बदहाल शख्स की सी है। यानी कि इसमें वो उन्होंने अपने महबूब की लातालुकी का जिक्र किया है कि मैं जाकर जब बोलता हूँ तो वो बड़ी बेतालुकी से बड़ी बेयकीनी से दूसरों को कहते हैं कि ये तो वही शख्स है जो कि मेरे हालात खराब करता है, मेरी बदनामी का बायस है, तो मैं इसके क्यों इससे मिलूं। यानी कि वो महबूब पर ऊपर कोई तवज्जो देने की कोशिश ही नहीं करता। तो इसलिए मीर जो है वो यही कह रहे हैं कि मेरा महबूब जो है वो मुझसे इतना बेगाना हो गया और मुझसे कोई बात करना पसंद नहीं करता, बल्कि उवल तो मुझे वो मेरे साथ बात करना उसको गवारा ही नहीं, और जब वो मेरी आवाज सुनता है तो वो यही कहता है कि ये तो उसी बदहाल शख्स की, आवारा गर्द शख्स की आवाज है जो कि हर वक्त दीवानावार गलियों में फिरता है। नेक्स्ट शेर है जी, आतशे गम में दिल भुना शायद। जी बेटे, बेगाना का क्या मतलब है? बेगाना होता है किसी से दूर हो जाना, उसको जानना जानना, बेगाना ना जान पहचान रखना। टीचर जो हमने पढ़ा था महरम और नामहरम, ये नामहरम है? महरम और नामहरम जो होता है वो तो और चीज है ना। महरम होता है जानने वाला, जैसे लोग सारे जिनको हम जानते हैं अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनको हम जानने वाले कहते हैं, और नामहरम वो होता है जिसको जो हमारे लिए महरम नहीं है, जिसको हम नहीं जानते, ये और चीज है, ये और चीज है। वो महरम और नामहरम जो था वो हम्द में इस्तेमाल हुआ था, और महरम का मतलब होता है जानने वाला, और ना महरम जो नहीं जानता, जिसको हम नहीं जानते। और ख्वातीन के लिए ना महरम वही शख्स होते हैं जो कि उनके भाई बहन भाई बाप चाचा मामू के अलावा जो शख्स होंगे वो ना महरम है। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ ये महरम और ना महरम का जिक्र नहीं है, ये मैंने आपको आगे भी बताया था कि जो गजल होती है इसमें एक तखयलाती ख्याल में ही एक वो महबूब का खाका सा बना लेते हैं शायर, और उसकी तारीफ में ये जो है वो गजलें लिखते हैं, और उसकी तारीफ बालों की तारीफ में, उसकी आंखों की तारीफ में, उसके कद की तारीफ में ये शायर हजरात लिखते हैं। आतिश गम में दिल भुना शायर देर से भू कबाब पीसी है, शायर जो है अपने दिल के बारे में कह रहे हैं, मेरा दिल जो है इतना अपने महबूब के जो है जुदाई में उसके दूर होने से इतना मेरा दिल जो है जल रहा है, इतना वो जो है क्या किसकी आवाज आ रही है, दानियाल की टीचर, दानियाल क्या हुआ बेटे, अब गलती से माइक खुल गया। ओके अच्छा जी, ये शायर जो है अपने दिल को मिलने वाले दुखों और गमों का इशारा इस शेर में कर रहे हैं कि मुझे जो अपने महबूब की तरफ से इश्क के रास्तों में चलते हुए जो दुख और तकलीफें उठानी पड़ गई हैं उसकी वजह से मेरा दिल जो है इतना जल भुन गया है कि जिस तरह गोश्त को हम उसको करते हैं बारबेक्यू करते हैं ना आग पर, तो उसमें से गोश्त के भुने हुए की खुशबू आती है, तो शायर ने अपने दिल को उस तरह की तशबीह दी है कि मेरा दिल इस कदर जख्मों में और जो है दुखों से अपने महबूब के दिए गए तकालीफ से जुल्म और सितम से इतना तकलीफ में है कि वो यूं है कि उसके जुल्म और सितम और दुखों से जलता भुनता जा रहा है और उसमें अजाफा ही हो रहा है, और उसको जो है जैसे कि गोश्त के ऊपर जब उसको हम कोयलों के ऊपर गोश्त को सेकते हैं पकाते हैं तो उस वक्त उसमें अंदर से खुशबू महक सी चारों तरफ फैल जाती है और पता चल जाता है जी यहाँ बारबेक्यू हो रहा है या यूं हो रहा है, और महबूब जो है वो मेरे इतने दिल के खुशबू को जो जलने की बू उसकी आ रही है चारों तरफ, लेकिन उसको इस चीज पर कोई एहसास नहीं है, मेरे मुझे यूं ही लग रहा है कि मेरा जो दिल है एक कबाब की तरह बू दे रहा है और वो हर तरफ उसकी खुशबू फैली हुई है। मीर इन नईम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है, अब मीर आखिरी शेर में अपना नाम लेकर कह रहे हैं कि इन नीम बाज आंखों में अपने महबूब की जो अध खुली आंखें, नीम बाज आंखें होती हैं अध खुली आंखें, और उसमें सारा जो नशा सा है वो एक जैसे हम शराब का कह लें कोई एक जो मशरूब ऐसा जो कि नशा नीम बाज हो, क्या होता है नींदबाज अध खुली आंखें, आधी खुली जैसे नींद में इंसान होता है ना तो जब उठता है तो उसकी आंखें पूरी तरह नहीं खुलती, या किसी दवाई के असर से कोई ऐसा नशा सा उस पर तारी हो जाता है तो उसकी आंखें नहीं खुलती, तो ये शायर तो उसके नजदीक जो महबूब की आधी खुली आंखें हैं वो यूं हैं जैसे कि किसी इस तरह वो किसी नशावर मशरूब के साथ उसकी आंखें अध खुली हैं, और उस वो इसमें वो इसमें भी शायर का जो कहने का अंदाज है वो उसका एक खूबसूरत अंदाज है कि जी मैं जो जिस तरह ये आंखों का थोड़ा खुला होना वो उनकी खूबसूरती की अलामत समझा जाता है कि पूरी तरह आंखें खोलकर नहीं देख रहा मेरा महबूब बल्कि ये थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर देख रहा है, और यूं है जैसे कि वो किसी नशे में खोया हुआ है। अब इस शेर में भी शायर जो है वो अपने महबूब की बेवफाई के बावजूद उसके जुल्म और सितम के बावजूद उसकी तारीफ ही कर रहा है, हर शेर में शायर जो होता है हमेशा उसके बगैर उसके बेगानापन से उसकी जो है उसकी जो बेएतनाई है उससे आजिज भी नहीं आता और नाराज भी नहीं होता बल्कि उसकी तारीफ ही करता है, और यही उसमें कर रहा है कि मेरे मुझे अपने जो महबूब की आंखें आधी खुली हुई आंखें उसमें मुझे सारी मस्ती शराब पीसी ही नजर आ रही है। ठीक है, अब ये हो गया आपकी गजल कंप्लीट, इसमें आपने एक्सरसाइज खोल लें अपनी, इस गजल में रदीफ के अल्फाज कौन से हैं, जो लफ्ज बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको रदीफ कहा जाता है, इसमें सारी गजल में ये नुमाइश शराब की सी है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है, तो ये की सी है जो है ये है रदीफ के अल्फाज, की सी है
ردیف ہے. اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے چار کافیوں کی نشاندہی کی. کافیے ہوتے ہیں جو کہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ہیں اس میں کون سے ہیں, کوئی اندازہ لگائے گا؟ مس حباب, سراب, سراب, گلاب, شاباش, استراب, شراب, شاباش. یہی جو سیم ساؤنڈ ورڈز ہوتے ہیں ان کو کافیے کہا جاتا ہے. دوسرے شعر میں اونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ ایک گلاب کی پنکھڑی سے. جی, گلاب کی پنکھڑی سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے. میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے؟ کیا قرار دیا ہے؟ شراب. ہاں جی, شراب کی مستی قرار دیا. جی, شاعر اس اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ بار بار اس کے در پہ بار بار اس کے در پہ. شاعر اس اضطراب کی حالت میں بار بار اپنے محبوب کے در پر جاتا ہے. نیکسٹ ہے آپ کا کوسچن نمبر 3, کالم الف کو کالم بے کے الفاظ سے ملائیے. ہستی کس کے ساتھ ملے گی؟ ہستی کیسی ہے؟ ہستی حباب کیسی ہے. اور نمائش سراب, سراب. پنکھڑی گلاب, شاباش. آنکھیں نیم باز, نیم باز. آنکھیں نیم باز ہیں. ہاں جی, نیم باز. ٹھیک ہے, شاباش. حالت اس طرح. اور دل کباب, کباب. مستی شراب. اور آواز کھانا خراب. جی, یہ سب جو ہیں یہ اس کے آپ کے میچ ہو گئے. نیکسٹ کوسچن ہے آپ کا مطلع اور مقطع. مطلع وہی ہے جو کہ شعر کا, غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے, اسے مطلع کہا جاتا ہے. اور مقطع غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے, بشرطے کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص استعمال کیا ہو. جیسے کہ اس شعر میں انہوں نے کہا ہوا ہے نا کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے. تو اس میں جو آخری شعر میں میر نے اپنا نام استعمال کیا ہے تو اس کو مقطع کہا جاتا ہے. اگر میر جو ہے یا کوئی بھی شاعر اگر اس میں اپنا نام استعمال نہیں کرتے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ غزل کا آخری شعر. اس کو پھر ہم مقطع نہیں کہتے. لیکن اگر اس کے اندر انہوں نے اپنا نام استعمال کر کے کیا ہے تو اس کو مقطع کہا جائے گا. لیکن اگر اس میں غزل کے شاعر کا نام نہیں ہے لاسٹ شعر میں تو اس کو کہیں گے غزل کا آخری شعر. ہاں جی, غزل میں ردیف لازمی ہوتا ہے؟ اکثر میں ہوتا ہے, کئیوں میں بھی نہیں ہوتا, زیادہ تر ہوتا ہے. تو اس میں نیکسٹ کوسچن ہے جی, مذکر اور مونس الفاظ الگ کریں. ہستی کیا ہے؟ مونس تھا. ہستی مونس ہے. اور حباب مذکر. جی, نمائش مذکر, مذکر سوری مونس, مونس ہے. نمائش, نمائش کی جاتی ہے. ہاں جی, نمائش لگی ہوئی ہے. سراب مونس مذکر. سراب دکھائی دیا تو یہ مذکر ہے. لب مذکر, مونس نہیں. لب کھولے, لب مذکر ہے, مذکر ہے لب. چلے لب مذکر لکھے. ابھی کباب بو ہے پہلے. نا جی, بو ہے پہلے. بو کیا ہے ٹیچر؟ مونس. اور کباب مذکر, مذکر. اور مستی مونس. اور اگلا کیا ہے؟ شراب مونس, مونس. دانیل آپ, سوری دانیل, آپ نے کام کر لیا اپنا پچھلا؟ مس میں پچھلی کلاسز لے رہا ہوں, آہستہ آہستہ کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں یوٹیوب سے. بیٹا آپ کام کریں نا. آپ نے اسکول سے نہیں لیے نوٹس؟ نہیں ابھی نہیں لیے, میں نے جاؤں گا. نوٹس تو وہاں سے لینا, وہاں سے دیکھ کر کریں آپ کام, ایسے خود سے نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے.
और दानी फैसल आपने काम कर लिया अपना मिसिंग वर्क? यस मिस कर लिया। क्या था भला मिसिंग आपका? खाता बस दो खाते आपके दो खाते फर्स्ट दो खाते एक लिखा था आपने? यस मिस। ठीक है नेक्स्ट अब हमने लिखना है बड़े भाई के नाम खत, जो के खत लिखने का तकाजा उसको करना है। इसको उसी तरह लिखना है कि तीन पैराग्राफ में आपने इसको खत को लिखना है और इसके बाद ज़र्बुल इम्साल आप लिखेंगे। ज़र्बुल इम्साल आपको बेटे पीछे मेरा काम कंप्लीट था? जी बेटा कंप्लीट था। ओके ये अब अपना ना ग्रामर की बुक खोलें, इसमें खत पढ़ें जरा, खत नंबर तीन। ग्रामर बुक रखी हुई है पास? दोनों रखा yes. करें अपनी चीज खोले जरा, खत नंबर तीन पढ़े, बड़े भाई के नाम खत लिखने का तकाजा। यू कैन आई रीड? जी करें, स्टार्ट उसी तरह करना है जिस तरह मैं लिखवाती हूँ। ओके टीचर, टीचर पूरा स्टार्टिंग के साथ बताऊं? जी जी बनाम ओके बनाम बड़े भाई बराए हैरियत मालूम करने के लिए खत और इम्तिहानी मरकज और यहाँ पे डेट लिखी हुई है 15 फरवरी 2020 ईस्वी। मोहतरम भाई जान अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप हैरियत से होंगे, मैं भी आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि घर में सब खैरियत से होंगे। मैंने आपको ये खत इसलिए लिखा था ताकि आपको घर से गए हुए एक ताकि आपको कह सकूँ कि आपको घर से गए हुए एक महीना हो गया है, मगर आपने अपनी खैरियत का खत एक खत भी नहीं भेजा। वालिदा साहिबा बहुत परेशान और फिक्रमंद हैं, खुदा करे आप बखैर व आफियत हों। हम लोगों की याद आपको बेकरार करती रहे। चले उमैमा आप पढ़े आगे। अब्बा जान भी फिक्रमंद है, मुन्ना अब्बा जो अब्बा की गिरदानी से थकता नहीं, बाज़ोकात आपकी तस्वीर कांडना से उतार लेता है और सारे घर में अगर लिए फिरता है। परसों अब आपा जान भी आई, आपा जान आई थी आपका पूछती रही, रात दूल्हा भाई भी आ गए और वो आज अपने घर चली गई। अगर आपका खैरियत नामा जल्द ना आया तो अब्बा जान को आया समझिए और फिर इनकी खफगी आपकी ले तो लाल के लाल के लिए तो लाल के लिए आफत बन जाएगी, वो आपका कोई कबूल नहीं फरमाएंगे। बस खैरियत किसी में है, कोई उजर कबूल नहीं फरमाएंगे, कोई उधर कबूल नहीं फरमाएंगे, बस खैरियत इसी में है कि अपनी खैरियत से जल्द अज जल्द मतलब फरमाएं। ज्यादा आदाब। नीचे एंड में क्या लिखना है आपने? वस्सलाम और आपका भाई। जी आपका भाई और अलिफ बेजीन। ठीक है ये आपका खत हो गया। ज़र्बुल इम्साल मैं अब आपको दूंगी और ये रजिस्टर पे लिखना है। ये बेटे आपने स्कूल से आपको जब नोट्स मिलेंगे तब आप लिखेंगे। ओके अच्छा इसके बाद अपनी इसी ग्रामर में खोलें, स्टोरीज हैं आपकी खाके की कहानी, नजर आई है? खाके की कहानियां हैं, एक तो है कव्वे का इंतकाम। ठीक है इसको मैंने लिखना है और इसका आपने भी रजिस्टर में इसको लिखना है, खाके की कहानी। अब मैं इसको एक दफा आपको सुना देती हूँ ताकि जब आपको आए तो आपने उस तरह इस तरह इसको लिखना है। ये बेटा पेज नंबर 107 है बट आप सबके पेजेस डिफरेंट है, सबकी ग्रामर पेज 115 पे है। ओके एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक किसी दरख्त के तने पर कव्वे ने अपना घोंसला बना रखा था। कव्वों का जोड़ा उस दरख्त पर रहता था और उसमें वो बड़े सुकून से वहां जिंदगी बसर करता था। सुबह सुबह अपने रिज़्क की तलाश में निकल जाता और शाम को वापस
दाना दुन का चुप कर वापस आते दोनों, यानी के अब कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो बताकर नहीं आती। इसी तरह एक दफा वो कव्वे के साथ भी पेश वाक्या पेश आया कि वो क्या था, एक दिन अपने हस्बे मामूल रोजाना की तरह अपने खाने पीने की तलाश में निकला, जंगल में चला गया और उड़ते उड़ते काफी दूर निकला, और कव्वा जो था वो उसकी मादा भी उसके साथ थी और उसके जो घोंसला उनका बनाया हुआ था उसमें उसके बच्चे भी थे, दो छोटे बच्चे मौजूद थे जो कि अभी उड़ नहीं सकते थे। अब जाहिर है जब परिंदों के बच्चे छोटे होते हैं तो वो जब तक उनके पर बड़े नहीं होते तो वो घोंसले में ही रहते हैं और उनके वालदैन जो होते हैं माँ बाप को उन्हें दाना दुनका ला कर देते हैं खुद से। अब उसी जो जिस दरख्त पर उनका वो था घोंसला था उसी के खो में नीचे दरख्त के नीचे एक सांप रहा करता था, ठीक है, उसमें एक सांप रहा करता था। और वो जिस दिन वो बच्चे एक दिन वो जब कव्वा और कव्वी गए हुए थे तो कव्वे की गैर मौजूदगी में वो सांप जो था वो निकला और उस वो दरख्त पर चढ़ गया और घोंसले में जो बच्चे थे उनको खा के घोंसला शौंसला तोड़कर जाकर अपने बिल में घुस गया। शाम को जब कव्वा और उसके कव्वा वापस आया तो कव्वी ने कहा देखा तो उसने कभी मारे तो बच्चे को ही खा गया, फिर उनको उसको पता चल गया कि ये सांप ने सांप का काम है। उसे बड़ा दुख हुआ, उसकी जो वो थी मोनस कव्वी वो कहने लगी कि हम इस दरख्त को छोड़ देते हैं और हम कहीं और चले जाते हैं क्योंकि हम इसका इससे दुश्मनी नहीं मोल सकते, हमें इसको छोड़कर इस जगह को छोड़कर किसी और जगह बसेरा कर लेना चाहिए। अब वो कहने लगा कि नहीं मैं हम तो इसको नहीं छोड़ सकते। वो असल में उसके दिल में इंतकाम लेना था, उसका दिल था कि मैं किसी ना किसी तरह इस सांप से अपने बच्चों की मौत का बदला ले सकूं। अगले दिन कौवा फिर खाना पीने की तलाश में निकले, दोनों निकले तलाश में निकले तो इधर उधर उड़ते हुए वो जब उड़ रहा था तो वो उसके उसे शाही महल नजर आया और शाही महल जब देखा तो उसने वो आकर उसकी मंडेर पर दीवार पर बैठ गया और उसने वहां देखा कि सेहन में खुंटी पर एक हार लटका हुआ था जो कि शहजादी का हार था, कीमती मोतियों का हार था। कव्वे ने उस हार को चोंच में दबाया और उड़ने लगा और उड़कर अपने दरख्त की तरफ दौड़ पड़ा। ये देखकर क्या हुआ कि जो उसके महल के बादशाह के जो कारिंदे थे प्यादे थे वो सारे फौरन काय-काय उसकी सुनकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुए और उन्होंने जब हार को लेकर उड़ते हुए उसे जाते हुए देखा तो वो पीछे उसके दौड़े और डंडे वगैरह लेकर लाठियां डंडे या कोई औजार लेकर उसके पीछे उसी दरख्त पर पहुंच गए। अब वहां जब वो पहुंचे तो कौवा उड़कर अपने दरख्त पर बैठा तो वहां नीचे ही सांप जो था वो निकला हुआ था और अपना सर हिला रहा था, झूम रहा था। वो कौवे ने जब ये देखा तो उसने जो था वो अपना वो हार जो था नीचे गिराया और कौवे के वो जो सांप था उसकी गर्दन में वो हार गिर गया, उसके ऊपर पहुंच गिर गया। अब जो था वो उसके जो था या तो उसके ऊपर गिरा या वो उसके ऊपर बैठ गया हार के। जब वो बैठ गया तो प्यादों ने जब देखा कि हार के पास तो एक खतरनाक सांप है, उन्होंने बड़ी कोशिश की किसी तरह इससे लें हार, लेकिन वो सांप ऊपर ही बैठा रहा। फिर उन्होंने क्या किया, जो लाठियां डंडे हथियार जो लाए थे वो उसके साथ उसको सांप को अच्छी तरह मारने लग पड़े, फटाफट देखा और उसको मारने लगे और काफी सारे लोग थे तो उन्होंने फौरन ही उसको खात्मा कर दिया और हार लेकर चले गए। इस तरह कव्वे ने अपनी अकलमंदी से अपने बच्चों की मौत का बदला ले लिया और साथ ही उसने उस सांप को भी उनके हाथों मरवा दिया जो प्यादे थे, उसने इनसे खूब इंतकाम लिया। इसका नतीजा लिखेंगे कव्वे का इंतकाम या इसका लिखेंगे नतीजा जैसा करोगे वैसा भरोगे, लिख लें इसका जो है नतीजा जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसकी दूसरी कहानी है कि नींबू निचोड़, ये नींबू निचोड़ है। इसमें भी एक दफा का जिक्र है कि एक लड़का नवीद जो था वो गांव से अपने दोस्त सलीम से मिलने के लिए शहर आया, लाहौर आया। वो काफी अरसे बाद उससे मिलने के लिए आया था। सलीम से मिलने के बाद दोनों ने लाहौर की खूब सैर की। एक दिन वो
जो थे वो एक दिन वो जो थे वो मीनारे पाकिस्तान से वापस आ रहे थे के रास्ते में उन्हें एक होटल नजर आया। सलीम अक्सर यहाँ आता रहता था, यहाँ की दाल सलीम को बहुत पसंद थी। दोनों दोस्त होटल में दाखिल हुए। होटल के हॉल में खानों की खुशबुएं महकी हुई थी, यानी कि होटल में जब जाते हैं तो खुशबुओं से सारी स्मेल आ रही होती है, तो वो दोनों दोस्तों की भूख जो थी वो ज्यादा चमक उठी और दोनों ने हाथ पांव धोए और खाना खाने का हुक्म दे दिया कि भी खाना मेरे लिए लाओ, हमारे लिए लाओ। कुछ ही देर बाद खाना उनके सामने रख दिया गया, बहरा एक खाना उनका उनके सामने रख गया। होटल की दाल वाकई उन्हें बड़ी मजेदार लगी, होटल की दाल उन्हें वाकई मजेदार लगी। और वो जो लड़का आया हुआ था उसका दोस्त नवीद, वो उसकी तारीफ किए बगैर ना रह सका, उसने उसकी बड़ी तारीफ की। अभी उन्होंने दो चार निवाले ही खाए थे कि क्या हुआ कि एक शख्स उनके बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया, यानी कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, एक शख्स आया और वो उनकी साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। अब वो नवीद और सलीम ने दोनों ने ही हैरान होकर उस शख्स को देखा और उससे सवालिया नजरों से देखा। वो उसने पता है क्या किया, उसने जेब से एक बड़ा सा नींबू निकाला, अपनी जेब से बड़ा सा नींबू निकाला और कहने लगा, भाई साहब दाल का मजा तो जी नींबू के साथ खाने में है। अब वो कोई उनका मेहमान नहीं था, कोई उनका वाकफकार नहीं था, जबरदस्ती का मेहमान था। और अब उसने आकर क्या किया, फटाफट उसने आकर अपने जेब से नींबू निकाला और उनकी दाल के प्लेट में निचोड़ दिया। अब वो कहने लगा, आप एक दफा जायका चेक कर देखें। अब जब उस शख्स ने उसकी तारीफें की तो वो जबरदस्ती उनको वो खाना पड़ा जिसमें उसने जबरदस्ती नींबू निचोड़ दिया था। अब जब उन्होंने खाया तो अब उनको वाकई मजा आया, लेकिन अब अखलाकन उन्होंने कहा कि अब हमें इसने नींबू निचोड़ दिया है तो अब इसको भी दावत देते हैं कि ये भी हमारे साथ शामिल हो जाए। ये साथ ही उन्होंने इसको दावत दे दी कि भाई आओ आप भी खाना हमारे साथ शुरू करो। अब वो शख्स जो था उसने तो हाथ पांव चढ़ाए, अपने बाजू ऊपर किए और खूब डट कर खाने में शामिल हो गया। उसने खूब पेट भर कर खाना खाया। अब उनके लिए तो उन्होंने तो अपने लिए खाना मंगवाया था, उनके लिए वो खाना कम पड़ गया। अब वो उन्हें दोबारा खाना ऑर्डर करना पड़ा और उन्होंने कहा कि जी ये तो मुश्किल है बात, ये तो गुजारा नहीं होगा, ये तो मुफ्त खोरा कोई शख्स है जो कि जबरदस्ती हमारे साथ शामिल हो गया। अब उसकी हकीकत इन दोनों पर खुल चुकी थी, लेकिन क्या कर सकते थे, अब वो खाना खा रहा था तो इसको छोड़ भी नहीं सकते थे। और वो जो नींबू निचोड़ वाला जो शख्स था वो क्या कहते हैं, एक जरबुल मिसल होती है, माले मुफ्त दिले बेरहम, यानी कि जब किसी का माल हाथ लगा हो तो इंसान उसको खुले दिल से करता है, यूज करता है। तो उसकी भी दिली मुराद पूरी आ गई थी कि जी मैंने इनको नींबू निचोड़ दिया और ये मेरे खाने के लिए मुझे खाने का ऐलान देंगे, खाने के लिए ऑर्डर देंगे मेरे लिए। अब वो तो फारिग होकर उठना चाहते थे, लेकिन वो खाने खाया जा रहा था, रोटी पर रोटी खाया जा रहा था और मुश्किल में था। अब मुश्किल खुदा खुदा करके उस नींबू निचोड़ ने खाना खत्म किया, फारिग हुआ और थोड़ा सा रस्मी सा शुक्रिया अदा किया और ये जा और वो जा। अब वो दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं कि एक ऐसा शख्स था जो कि जबरदस्ती हमारे साथ आकर शामिल हो गया। और ये अब दोनों ने यही कहा कि भाई जो वो जो मुहावरा जो मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाला मुहावरा कहते हैं, सुना हुआ तो सब नहीं था, लेकिन आज इस चीज का मतलब उन्हें समझ में आया कि ऐसे जो लोग होते हैं आकर जबरदस्ती खाने में शामिल हो जाते हैं वो मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली बात इस चीज पर पूरी हुई। तो इसका अखलाकी सबक या इसका नतीजा क्या लिखा जाएगा, मुफ्त खोरी एक जो है बुरी लानत है, मुफ्त खोरी एक लानत है। दूसरा एक दो नतीजे लिखेंगे, मुफ्त खोरी एक जलील काम है और मुफ्त खोरी एक लानत है। समझ आ गई है कहानी, दोनों कहानियां समझ आ गई है। yes. आप नोट्स समझ आ गई है, नोट्स आपने स्कूल से लेने हैं, जब अपना आपका नेक्स्ट होमवर्क का आपको मिलेगा तो आपने वहां से लेकर फिर वो सारा जो होमवर्क होगा वो आपने रिटर्न करना है, राइट करना है। ज़र्बुल इम्साल निकालिए, मैं जरा अब आपसे पूछूं ज़र्बुल इम्साल, क्योंकि ऑलरेडी आपने इनको क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं ना, बल्कि मैं आपसे सुनती हूँ। यस आबेल मुझे मार। आप आए आप आए
भाग आए। अब ये भाग आए क्या होता है, मैंने आपको अब शायद बताया होगा अभी, आप आए भाग आए, ये तो नहीं है ना कि भागकर किसी के पास आना, ये कहते हैं आप आए भाग आए, हमारी किस्मत जागी, किसी के आने पर खुशनसीबी का इजहार लोग करते हैं ना, तो उसके लिए कहते हैं आप आए भाग आए। अख्तू घटे हैं, घटे हैं जी, आदमी का शैतान आदमी आप है, आदमी है। उल्टे बांस बरेली को। बात खटाई में पड़ गई। बारह बरस दिल्ली में रहे, बाल ही चौका किए, हाड़ ही झोंका, वासी कढ़ी में उबाल आया। बद अच्छा, बदनाम बुरा। बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। बिल्ली के भागों चीका टूटा, पाक रहो बेबाक रहो। सूत न कपास, शाबाश। कमख्वाब में टाट पैबंद कहते हैं जोड़ लगना। तुखम तासीर सोबत का असर। जितनी चादर देखिए उतने पैर फैलाइए, पांव फैलाइए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, चोर की दाढ़ी में तिनका, हिसाब जो बख्शिश सो। खिदमत से अज़मत है। दिल को दिल से राह होती है। डूबते को तिनके का सहारा। पीछे सारे 8 क्लास के याद है। हाँ जी, ये वही है, रात वही आपको 9th में भी चलने हैं। रात गई बात गई। ज़बाने खल्क को क्या समझो, नकारा खुदा। अब ये वाला मुश्किल है, सीखवा को दीजिए जाको सीख सहाये। आगे ये नहीं आता, सीखना दीजिए बांदरा जो घर बीए का जाए। नहीं समझ रहे थे, दोबारा बताएं। कुछ भी नहीं समझे। आपको दीजिए जाको सीख सहाए, सीख न दीजिए बांद्रा जो घर बीए का जाए। चलिए उर्दू है, चलिए अभी भी नहीं समझ आई, अजीब सा क्यों लग रहा है। चखी और तीन काने। सूरत ना शकल भार से निकल। तबेले की बना बंदर के सर। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। और ईद पीछे डर नहीं आये। ईद का अगले दिन क्या कहते हैं, ईद के दिन को अगले दिन को क्या कहते हैं?